नमस्कार, आज बात है हमारे सी रूट के बारे में। तो आज हम सी रूट के बारे में बात करेंगे, जल परिवहन के बारे में बात करेंगे, और वो भी अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन के बारे में बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन में हम मुख्य रूप से देखेंगे सागरों को, महासागरों को, जल संधियों को, यहाँ पर बहुत सारी खाड़ियों को। साथ ही हम समझेंगे कि हम किस सी रूट का इस्तेमाल करके हम अपने सामान को बहुत सारी जगहों पर भेज सकते हैं। याद रखें, जैसे जैसे कोई देश विकास करता है, उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी तेजी से विकास करता है, और बहुत जरूरी है कि उसके यहाँ पर उत्पादन ज्यादा हो। उत्पादन केवल ज्यादा हो नहीं हो, उसके साथ साथ वह उत्पादन सभी जगहों पर वितरित भी हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाए। सोचिए कि अगर हमने बहुत सारा सामान बना लिया है और वो हमारे हमारी फैक्ट्री में ही जमा है, तो क्या हम उसको नए सामान को बनाएंगे कि नहीं? हम उस बने बनाए सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजेंगे। तो जब सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाता है या उसको मार्केट में पहुंचाया जाता है, तो उसके लिए परिवहन का आवश्यकता होती है। अगर हम आंतरिक परिवहन की बात करें, किसी भी देश के अंदर परिवहन की बात करें, तो वहां पर तो बहुत सारे परिवहन होते हैं, जैसे कि रोड ट्रांसपोर्ट होता है, हमारे यहाँ पर एयर ट्रांसपोर्ट भी होता है, और साथ साथ यहाँ पर होता है रेल ट्रांसपोर्ट। लेकिन जब भी हम अंतर्राष्ट्रीय देशों की बात करते हैं, जब हमारा सामान एक देश से दूसरे देश जाता है और हम चाहते हैं कि यह सामान हमारा सस्ता भी रहे, तो हम उसके लिए जल परिवहन का सहारा लेते हैं, क्योंकि जल के द्वारा जो ढुलाई का जो खर्च है वो अन्य किसी भी साधन में सबसे कम होता है। हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय देशों में या किसी अन्य देश में अगर हम अपने सामान को भेजेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक तो मजबूरी है कि हमें सी रूट से भेजना पड़ता है, क्योंकि सारे जो देश हैं वो लैंड कनेक्टिविटी या रोड कनेक्टिविटी से जुड़े हुए नहीं होते। लेकिन सागरों के द्वारा हम सारे शहरों तक या सारे देशों तक अपने सामान को पहुंचा सकते हैं। तो आइए उसी में से एक सबसे महत्वपूर्ण रूट के बारे में आज चर्चा करते हैं और जानते हैं किस रूट का इस समय पर सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। तो हम आज हैं यहाँ पर वॉशिंगटन डीसी। चलिए, तो यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं, मैं हूँ यहाँ पर वॉशिंगटन डीसी, और यहीं से मैं चलता हूँ अपने सामान को भर के अपने एक पूरे बड़े से जहाज। जहाज तो मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन आप यही समझ लो ये जो जहाज है मेरा ही जहाज है, और आप अपना समझें जब भी इस क्लास को पढ़ें। ये जहाज है और ये यहाँ पर वॉशिंगटन डीसी पर खड़ा हुआ है, और मुझे पहुंचना है बहुत दूर, बहुत सारी जगह मुझे अपना सामान पहुंचाते हुए एक रूट को पकड़ना है, वही है सबसे ज्यादा महान और सबसे बड़ा रूट। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं। आज हम यहाँ पर बंदरगाहों की बात नहीं करेंगे इस रूट को पढ़ते समय। आज हम बात करेंगे ये कौन कौन से सागरों से, कौन कौन से महासागरों से, कौन कौन सी जल संधियों से होकर गुजरता है, और एक दिन मैं आपसे बात करूंगा सारे बंदरगाहों की। उस समय पर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा विश्व के महत्वपूर्ण बंदरगाहों के। तो चलिए प्रारंभ करते हैं यहाँ से। मेरा ये जहाज है, ठीक है, चलना प्रारंभ होता है तो सबसे पहले यहाँ पर पहुंचता है, ये है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। वही अटलांटिक ओशियन है जहां पर टाइटैनिक जहाज डूबा था। तो डरे नहीं, यहां तक टाइटैनिक जहाज की टूटी हुई बर्फ यहां तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि आपको पता है कि ये ग्रीनलैंड है, और ग्रीनलैंड से बहुत बड़े बड़े आइसबर्ग टूटते रहते हैं, और यही टाइटैनिक जहाज से टकरा गए थे, जिससे कि उसके अंदर पानी जाने लगा और उसकी वजह से वह डूब गया। चलिए यहाँ पर आगे चलते हैं। हमारी जो शुरुआत है, हमने एक दुख भरी कहानी से प्रारंभ की है, लेकिन इसे आगे जाके सुख भरी कहानियों में भी परिवर्तित कर देंगे। आगे चलते हैं, अब हम यहाँ पर चले हैं यहाँ से। अब मुझे यहाँ पर भूमध्य सागर में प्रवेश करना है। ये हमारा भूमध्य सागर है जो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, ये है भूमध्य सागर। अब मुझे नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से भूमध्य सागर में आना है, तो मुझे एक जल संधि का सहारा लेना पड़ेगा। जल संधि एक छोटी सी पतली सी निवेशिकाएं होती हैं, जो दो महासागरों को या दो जल समूहों को आपस में जोड़ती हैं, तथा दो जल खंडों को, दो स्थल खंडों को आपस में अलग करती है। तो यह हमारी जल संधि है, और जिस जल संधि का नाम है जिब्राल्टर जल संधि। याद रखें, जिब्राल्टर जल संधि स्पेन को अलग करती है मोरक्को से, और यह नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को जोड़ देती है भूमध्य सागर से। तो मैं यहां से अपने जहाज को निकालता हुआ जिब्राल्टर जल संधि से मैं पहुंच जाता हूं भूमध्य सागर। अब भूमध्य सागर में बहुत सारे अफ्रीकी देश ऐसे हैं जिनकी सीमा भूमध्य सागर से लगती है, और मैं वहां पर अपने सामान की डिलीवरी कर सकता हूं। मोरक्को सबसे पहले यहां पर एक देश दिखाई देगा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनेशिया, लीबिया, इजिप्ट, इन सारे देशों में मैं अपने सामान को भेज सकता हूं।
इसके अलावा अगर ऊपर देखें तो यहाँ पर स्पेन है, यहाँ पर फ्रांस है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इटली है, ग्रीस है, यहाँ पर टर्की है, बहुत सारी जगह में अपने सामान की डिलीवरी कर सकता हूँ। तो चलिए मैं आगे चलता हूँ, मेरा रूट अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो ये आगाज है। यहाँ भूमध्य सागर से अब मुझे पहुंचना है हिंद महासागर में। अब हिंद महासागर में पहुंचने के लिए मुझे एक छोटी एक कृत्रिम नहर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं स्वेज कैनाल। यहाँ पर है स्वेज कैनाल। ये स्वेज कैनाल का निर्माण 1869 में हुआ और तब से ये अपनी इतनी बेहतरीन प्रासंगिकता बनाई हुई है कि आज भी दुनिया का सर्वोच्च जो सबसे ज्यादा व्यापार है इसी मार्ग और इसी नहर के द्वारा किया जाता है। खैर, स्वेज कैनाल भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ देती है। ये है पतला सा आपको दिखाई देगा लाल सागर, जो एशिया और अफ्रीका को एक दूसरे से अलग करता है। लाल सागर है जिसके बीच की दूरी लगातार घटती जा रही है, अर्थात ये जो सागर है वो लगातार सिकुड़ता जा रहा है। खैर चलिए, मुझे इसके सिकुड़ने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसके सिकुड़ने में अभी करोड़ों वर्ष का समय बाकी है। खैर चलिए, अभी तक मैं कहां पर हूं, अगर हमें याद रखना है अपने आप को कि मैं अब आ गया हूं लाल सागर में। मैंने यहां से स्वेज कैनाल को जैसे ही पार किया, मैं लाल सागर में मैंने प्रवेश किया। अब लाल सागर के बाद मुझे एक पतली सी निवेशिका दिखाई देती है जो दो जल समूहों को आपस में, तो लाल सागर को गल्फ ऑफ अदन से, यहां पे याद रखना अदन की खाड़ी से जोड़ती है एक स्टेट, जिस स्टेट का नाम है बॉब अल मंडेव। याद रखें, इसका नाम है बॉब अल मंडेव। अब बॉब अल मंडेव जल संधि से निकलकर मैं गल्फ ऑफ अदन में आ जाता हूँ। अदन की खाड़ी है यहाँ पर। अब अदन की खाड़ी को जैसे ही मैं क्रॉस करता हूँ, मैं पहुंच जाता हूँ अरब सागर में। अब मैं यहाँ पे अरब सागर में हूँ और यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे ओमान में जा सकता हूँ। यहाँ से लेकर मैं अपने जहाज को लेकर ऐसे भी जा सकता हूँ, यहाँ से ऊपर जा सकता हूँ और यहाँ पर ओमान की खाड़ी में भी जा सकता हूँ। ओमान की खाड़ी है, ठीक है। अगर मुझे ईरान के अंदरूनी क्षेत्रों में जाना है, इराक में जाना है, तो यहाँ पर एक जलसंधि को मैं पार करूंगा। यहाँ पर एक जलसंधि है जिसे मैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बाद मैं गल्फ ऑफ पर्सिया में यहाँ पर प्रवेश कर जाऊंगा और यहाँ पर मैं इराक में, यहाँ पर ईरान में, इराक में और सऊदी अरेबिया के बहुत सारे क्षेत्रों में, बहरीन, कुवैत, यहाँ पर भी अपने सामान की डिलीवरी कर सकता हूँ। खैर चलिए, मैंने आगे बढ़ा, यहाँ से मैं दोबारा से यहीं आता हूँ और फिर यहाँ पे चलते हुए मैं पहुँच जाता हूँ लक्षद्वीप के हमारे पूर्वी जगह पर। लक्षद्वीप के पूर्व में लक्षद्वीप सागर है और यहाँ से मैं एक टर्न लेता हूँ हिंद महासागर। अब मैं हिंद महासागर में आ चुका हूँ और यहाँ से मैं भारत के विभिन्न बंदरगाहों पर पहुँच सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से ही कांडला पहुँच सकता हूँ, यहाँ से मुंबई पहुँच सकता हूँ, यहाँ से मैं मर्मगोवा, यहाँ से मैंगलोर और यहाँ से कोझीकोड, यानी यहीं से मैं कोच्ची पहुँच सकता हूँ और यहीं से तिरुवनंतपुरम के बंदरगाहों पर भी मेरी पहुँच हो सकती है। साथ ही मैं अब श्रीलंका को बाईपास करते हुए इस तरह से मैं जा सकता हूँ, ओके। और एक और मेरे पास रूट है, यहाँ पर एक पतला सा रूट है, मैं ऐसे भी निकल सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े जहाजों को निकालना संभव नहीं है, या छोटी मोटी नाव को यहाँ पर निकाला जा सकता है, ओके। तो मेरा बड़ा जहाज है इसलिए मैं इस रूट का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि यह भारत और श्रीलंका के बीच में, और भारत और श्रीलंका के बीच में एक है, उसको कहते हैं हम राम सेतु, जिसको हम एडम ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। एडम ब्रिज जो है वह काफी उथला है, वहां पर कम से कम 10 मीटर की गहराई नहीं है पानी की, इस कारण यहाँ से जहाजों को निकालना काफी मुश्किल है, काफी टिपिकल होता है। यही इसीलिए हम बड़े बड़े जहाजों को इस पूरे इस श्रीलंका को बाईपास करके हमें यहाँ पर चेन्नई के बंदरगाह पे आना पड़ता है। फिर यहीं से हम यहाँ पर विशाखापट्टनम, यहाँ पर हम पारादीप और यहाँ पर हल्दिया और कोलकाता के बंदरगाहों पर भी हम यहाँ पर पहुँच सकते हैं। खैर, मेरा इरादा कहीं और जाने का है, मैं यहाँ से बढ़ता हूँ थोड़ा सा आगे की ओर और मैं अंडमान निकोबार से, यहाँ से होते हुए ये अंडमान निकोबार जो यहाँ पर अंडमान सागर है, मैं उस पहुँच जाता हूँ। अब मैं यहाँ पर अंडमान सागर में हूँ, जिसे आप अच्छे से देख सकते हैं, और फिर यहाँ पर मैं एक फिर दोबारा से एक पतली सी जगह पर फंस गया हूँ। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर एक स्टेट ऑफ मलक्का है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेट, याद रखना मलक्का है, और यहाँ पर ये हमारा अंडमान सागर है, और यहाँ पर आप देखोगे तो ये जावा सागर है, इन दोनों को आपस में जोड़ रही है। तो मैं यहाँ पर पतली सी स्टेट ऑफ मलक्का से यहाँ पे होके यहाँ तक जावा सागर तक भी यहाँ पर पहुंच हो सकती है।
ओके चलिए, एक जावा सागर से होते हुए भी मैं आगे चल सकता हूं, यहाँ पे जावा सागर आएगा। जावा सागर के बाद अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा फ्लोरस सी आ जाएगा, यहाँ पर फ्लोरस सी आ जाएगा। फ्लोरस सी के बाद यहाँ पे बांदा सी आ जाएगा, वेंडा सी आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर अगर मैं जाना चाहूँ तो यहाँ पर मैं ऑस्ट्रेलिया में जा सकता हूँ और अपने सामान की यहाँ पर डिलीवरी कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर स्टेट ऑफ मलक्का, मलक्का के सहारे ही आपको दिखाई देगा सिंगापुर, जो केवल इसलिए विकसित हुआ है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो जहाज हैं यहाँ पर तेल भरवाने के लिए रुकते हैं, इसलिए यहाँ पर होटल सेक्टर का, इंडस्ट्री का यहाँ पर बहुत तेजी से विकास हुआ है और पर्यटन के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग जाते हैं। यहाँ पर ही है सिंगापुर, सिंगापुर स्टेट ऑफ मलक्का के बिल्कुल नजदीक, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ से ऐसे करके मुड़ेंगे, अब हम मुड़े ऊपर, हमने मुड़ा और मुड़ने के बाद हमें यहाँ पर एक सागर में हम दस्तक देंगे जिसे साउथ चाइना सी कहते हैं। साउथ चाइना सी इस समय पर काफी बहुत ज्यादा टेंशनेबल कंडीशन यहाँ पर पैदा होती है क्योंकि साउथ चाइना सी पर चाइना पूरी तरह से अपना नियंत्रण बताता है, इस कारण वह पूरे साउथ चाइना सी पर अपना कब्जा जमाता है। और इसके सहारे जो साउथ चाइना सी से जिनकी सीमा लगती है वो है वियतनाम, वियतनाम को वह कुछ भी चीज देने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे फिलीपींस है, फिलीपींस पे को भी नहीं, यहाँ पर मलेशिया है, मलेशिया को भी नहीं, इंडोनेशिया को भी नहीं, वह किसी को भी इसमें साझेदार नहीं बनाना चाहता है। बस यही इसकी एक तरह से इसकी अलग ही एक दुनिया है चाइना की। चलिए कि यहाँ से एक छोटा सा द्वीप पड़ता है यहाँ पर, यह आपको दिखाई देगा, ये है ताइवान। और ताइवान और चाइना के बीच में एक स्टेट है जिसको कहते हैं फर्मूसा स्टेट। क्या है ये? फर्मूसा स्टेट है और इसके द्वारा मैं साउथ चाइना सी से पहुंच जाऊंगा ईस्ट चाइना सी में। यहाँ पर मैं पहुंचा हूँ ईस्ट चाइना सी। तो अब मैं कहाँ पर पहुंच गया हूँ? ईस्ट चाइना सी में पहुंच चुका हूँ। और ईस्ट चाइना सी के बाद अगर मैं यहाँ पर कोरिया की तरफ भी जाऊँ यहाँ से, तो ये है हमारा येलो सी। इसको हम क्या बोलते हैं? येलो सी बोलते हैं। तो आप इसको याद रख सकते हैं, तो क्या कहेंगे? पीला सागर। ओके, अब यहाँ के बाद मैं यहाँ भी आ सकता हूँ थोड़ा सा लौट के, यहाँ से भी मैं निकल सकता हूँ। तो ये भी एक जलसंधि है, यहाँ पे दो दो जलसंधि है, एक तो यहाँ पर कोरियन जलसंधि है और एक यहाँ पर सुसीमा जलसंधि है। तो दोनों को आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, सुसीमा और कोरिया जलसंधि, जो जापान को कोरिया से अलग करती है और यहाँ पर ईस्ट चाइना सी को यहाँ पर जोड़ देती है ईस्ट सी से, जिसको हम सी ऑफ जापान भी कहते हैं। ये है सी ऑफ जापान। अब मैं यहाँ पर जापान, यहाँ पर चीन के ऊपरी वाले हिस्से, यहाँ पर रसिया वाले हिस्सों पर मैं यहाँ पर अमेरी अब यहाँ पर पहुंच हो चुकी है। तो चलिए आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा और चलते हैं, गल्फ ऑफ टाटरी में चलते हैं। तो यहाँ से निकल के गल्फ ऑफ टाटरी पड़ता है, इससे मैं सी ऑफ ओखोटस्क में पहुंच जाता हूँ। ओखोटस्क सागर तक मेरी अब यहाँ पर पहुंच हो चुकी है। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक सोया स्टेट है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सोया स्टेट है। सोया स्टेट से निकल कर भी मैं यहाँ पर पहुंच सकता हूँ। दो दो चीजें मेरे पास, मैं यहाँ से भी पहुंच सकता हूँ, यहाँ भी एक स्टेट है और उस स्टेट का जो नाम है वो भी आपको याद रखना है, वो है सुंगारू स्टेट। वो कौन सी है? यहाँ पर सुंगारू स्टेट है जो होन्सू और होकुरू को एक दूसरे से अलग कर देती है। तो मैं यहाँ से होता हुआ इस तरह से बाहर निकल जाऊंगा, यहाँ पर पैसिफिक, यहाँ से भी मैं यहाँ पर पैसिफिक ओशियन में यहाँ पर निकल सकता हूँ। और पैसिफिक ओशियन से मैं जैसे ही आगे चलूंगा तो आगे चलते हुए मैं पहुंच जाऊंगा यहाँ पर बेरिंग सागर में। यहाँ पर बेरिंग सागर है और बेरिंग सागर से मैं अगर उत्तर की ओर चलूँ तो यहाँ पर मैं पहुंच जाऊंगा चुकसी सागर में। और चुकसी सागर से, ठीक है, चुकसी सागर से मैं पहुंच जाऊंगा सीधे आर्कटिक ओशियन में। लेकिन चुकसी सागर पर जाने के लिए मुझे एक जलसंधि का सहारा लेना पड़ेगा। वह जलसंधि काफी महत्वपूर्ण है, उसे कहते हैं बेरिंग जलसंधि। यहाँ पर बेरिंग जलसंधि है जो यहाँ पर एशिया और नॉर्थ अमेरिका को एक दूसरे से अलग करती है। ये एक बहुत ही बड़ा सी रूट है जिसके बारे में आपको याद रखना होगा। अभी फिलहाल इस सूर्य सी रूट में यहाँ से ये माना जा रहा है कि जैसे जैसे हमारे यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा हो रही है, आर्कटिक पर जमी हुई बर्फ एक दिन पिघल जाएगी और फिर हमारे यहाँ पर ये वाला रूट भी खुल जाएगा। यहाँ पर आपको ये रूट पूरा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सखालिन वगैरह मैंने आपको बताया था, फिर यहाँ पर बेरिंग स्टेट मैंने आपको बताई थी, बेरिंग स्टेट।
अब वेरिंग स्टेट से होकर, अब बताओ अभी इस समय पर यहाँ पर मैं नॉर्वे से अगर चलता हूँ तो ये वाला रूट मुझे अपनाना पड़ता है, तो सोचिए ये वाले रूट में कितनी लंबाई है। अगर यहाँ पर जो आर्कटिक की बर्फ यहाँ पर पिघल गई तो मैं सीधे यहाँ से बहुत ही कम दूरी में यहाँ पर पहुँच सकता हूँ, लेकिन उसके लिए बर्फ का पिघलना बहुत जरूरी है। तो भले ही हमारे लिए एक फायदा होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा जो सी रूट है कि जिसकी लंबाई है कम होगी, लेकिन अगर ग्लोबल वार्मिंग हुई, अगर टेम्परेचर बढ़ा, अगर आर्कटिक की बर्फ पिघली, तो ओशियन जो वाटर है वो उसका सरफेस है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा, और अगर ऊंचा हो गया तो आप सोचिए बहुत सारे शहर तो जाएंगे। तो यहाँ पर हम जैसे बात करते हैं, लेकिन आगे आगे चलकर इस रूट पर आपको जहाज चलते हुए दिखाई देंगे, ज़्यादा नहीं मुश्किल से 100 सालों के अंदर ही ये होगी, क्योंकि जिस तरह से हम अंधाधुंध विकास के लिए जिस प्रकार से पर्यावरण का विनाश कर रहे हैं, पर्यावरण को जिस प्रकार से बदल रहे हैं, वो दिन दूर नहीं, उस दिन हमें पूरी तरह से, अभी तो हमें मास्क लगा के घूमना पड़ रहा है, उस दिन हमें ऑक्सीजन लेके घूमना पड़ेगा। खैर चलिए, यहाँ पर ये सारी चीज़ें ये हम किसी और दिन बताएंगे। यहाँ पर ये हम प्रपोज्ड करते हैं एक सी रूट के बारे में, तो ये सी रूट है जो भारत का सी रूट है। चलिए मैं अभी इनके बारे में और ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। आज के हमारे सी रूट में आप जितना मैंने आपको बताया है उसी सी रूट को अगर आप याद कर लोगे तो फिर आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा इस सी रूट को। ओके, अब यहाँ से हम आगे चलेंगे, यहाँ से आगे चलकर ये आर्कटिक ओशियन में होते हुए हम यहाँ की बर्फ को काटते हुए ऐसे करके आगे चल सकते हैं, और चल के फिर हम यहाँ पर वॉशिंगटन डीसी भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो मैं यहाँ से काफ़ी लंबी दूरी हमें लगी, लेकिन इधर से काफ़ी कम दूरी है, लेकिन इस समय पर ये रूट अभी तक चालू नहीं है। कोई कोई जहाज ही जो आइस कटर जहाज होते हैं वही इस रूट को पार कर पाते हैं। खैर हमारा हमने केवल एक ही रूट की बात करी है, इस रूट को आप अच्छे से याद कर लें, तो बाकी रूट को मैं अगली क्लास में लेकर जाऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना आप बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको इस बड़े अच्छे से याद रहे और हमारे वीडियो भी आपके पास समय से आ जाएं और समय से आप लाभ भी प्राप्त करें। चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।